हाय गाइस, माय नेम इज श्रेया एंड आई एम इन इंदौर राइट नाउ. एक्चुअली मेरा एक वीडियो वायरल हो गया है, आप सभी ने देखा है. तो मैंने वो जानबूझ के नहीं किया है. एक्चुअली आपने खुद देखा होगा, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं. तो एक्चुअली मैं 56 और मेक दूध लाइक कुछ खाने पीने वहां पर गई थी. तो मेरी वहां पर एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि हम यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं. तो हमने एक वीडियो बना लिया राइट. और मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा बुरा होता तो मैं खुद अपलोड नहीं करती अपनी प्रोफाइल पे. अगर मैंने खुद अपलोड किया तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई प्रॉब्लम है. और रही बात मेरे कपड़ों की, तो मैंने इतने भी बुरे कपड़े नहीं पहने थे. मैंने देखा है इंदौर में इससे भी बुरे कपड़े पहनते हैं फीमेल, जो लड़कियां होती हैं वो पहनती हैं. और दूसरा ये कि जो बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जो मेरा वीडियोज अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मोस्टली इंदौर के जो न्यूज चैनल है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि आप मुझे इसलिए मेरा वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि आपको भी व्यूज चाहिए, आपको भी वायरल होना है, आपका चैनल भी आपको आगे बढ़ाना है राइट. तो मैं चाहती हूं अगर आप में से किसी को भी मेरी बातें रिकॉर्ड करनी है तो कर सकते हैं. मैं सफाई देती नहीं हूं, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि वो वीडियो जो भी है वायरल हुआ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा है कि ऐसे कपड़े बहुत सारे लोग पहनते. हाय गाइज, मेरा वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं. मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है. मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए. और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है, संगठन, बजरंग दल, फीमेल्स, मेल्स, सोसाइटी, सभी को मैं माफ़ी बोलना चाहूँगी, लाइक सॉरी बोलना चाहूँगी. मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए. मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी और पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी. मुझे लगता है ये बहुत गलत है. उन सभी को सॉरी जिसको हर्ट हुआ मेरे वीडियो से. और मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने बहुत गलत किया है. और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए. दूसरा ये कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ. मुझे जीने का कोई हक नहीं है जो सोसाइटी में ये सब करे. मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पब्लिक में वीडियो नहीं बनाना चाहिए था. मैं सॉरी बोल रही हूँ सभी को.